अर्थराइटिस एक ऐसी समस्या जिससे आज की डेट में वृद्ध तो परेशान है ही है, युवा भी परेशान होने लगा है। तो अर्थराइटिस से रिलेटेड जितने भी योग में आसन हैं, आज की वीडियो में मैं आपको वह आसन भी बताऊंगा, साथ ही साथ में डाइट और प्राणायाम, इन तीनों को प्रॉपर फॉलो करने से आपको एक हफ्ते के अंदर ही अंदर अर्थराइटिस में आराम मिल जाएगा, गठिया बाई पूरी तरीके से सही भी हो जाएगी। आप कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं तो मैं गिरीश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ नए अभ्यास के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको गठिया बाई के लिए योगा एक्सरसाइज बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, प्रॉपर आप उसको फॉलो कीजिए और अर्थराइटिस से छुटकारा पाइए हमेशा हमेशा के लिए। सबसे पहले हम बैठेंगे दंडासन में। दंडासन में बैठने के लिए दोनों पैरों को आगे की ओर खोलें और दोनों हाथों को अपने साइड में रखते हुए इनहेल करें और स्पाइन को स्ट्रेट करें और रिलैक्स। इस प्रकार हुआ दंडासन। अब दंडासन के बाद आएंगे पाद अंगुल नमनासन के लिए। श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को आगे की ओर करें और श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचें। जब 5 times काउंट करेंगे इन्हें 1, 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे इसके भी अभ्यास को बढ़ाते आएंगे। गुल्फ नमन आसन के लिए पूरे पैर के एंकल को आगे की ओर पुश करते हुए आप श्वास को छोड़ेंगे और पीछे की ओर खींचते हुए श्वास को भरेंगे। 5 times काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब आएंगे गुल्फ चक्रासन के लिए। पूरे लेग के एंकल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और 5 times एंटी क्लॉक। तो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब एंटी क्लॉक करेंगे, उल्टा घुमाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स करेंगे थोड़ा। पूरे पैर को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे और दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब रिलैक्स करेंगे। अब आएंगे जानू शीर्षासन के लिए या लेग के ट्विस्टिंग के लिए। अब लेग को राइट लेग को बेंड करेंगे और एंकल को ग्रिप करके लेफ्ट थाई के ऊपर बाईं जंगा के ऊपर सीधे टखने को रखेंगे और अपने सीधे नीज को अपने सीधे घुटने को नीचे की ओर प्रेस करें, श्वास बाहर छोड़ें और फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। 5 times इसको भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 सेम पोजीशन को दूसरे लेग से भी दोहराएंगे। अब जिन लोगों के पैर मुड़ते नहीं हैं, कई लोग ऐसे होते हैं नी में पेन ज़्यादा रहता है, उनके लेग बैंड नहीं होते, तो वो क्या करेंगे नीचे की ओर ही लेग को रखेंगे और तब इनहेल अप और एक्सहेल डाउन करेंगे। धीरे धीरे करके ही कोशिश करेंगे लेग नी के ऊपर की ओर आ जाए। इस प्रकार वो भी अभ्यास कर सकते हैं। नी रोटेशन के लिए क्या करेंगे, लेग बैंड करेंगे, अपनी जांघ को ग्रिप करेंगे अच्छे से, ऊपर की ओर उठाएंगे, अब इनहेल करते हुए अप और अप करेंगे पूरा नी रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉक। ऊपर जब पैर जाएगा तो श्वास अंदर भरें और जब लेग नीचे की ओर आएगा तब श्वास को बाहर छोड़ें 1, 2, 3, 4, 5 सेम पोजीशन को दूसरे लेग से भी दोहराएंगे, ग्रिप करेंगे राइट को बैंड करते हुए, इनहेल अप और एक्सहेल रोटेट करेंगे पूरा 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद बटरफ्लाई पोज लगाएं। ये हमने बटरफ्लाई लगाया और शेक, धीरे धीरे शेक करें। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी पूरी की पूरी हील आपस में टच नहीं होती और सेंटर से नहीं मिलती है, वो थोड़ा सा आगे की ओर रखें तब ट्विस्ट करें। अब कई लोग ऐसे हैं आगे की ओर नहीं पकड़ पाते, ऐसे करके पकड़ते हैं, नहीं, अगर आपको आगे जाने में दिक्कत है तो सिर्फ हाथ पीछे रखें, वैली को आगे की ओर पुश करें और फिर शेक करें। इस अभ्यास को इस तरीके से भी किया जा सकता है जो फैटी है, ठीक है।
अब इसके जस्ट बाद ही जब हम इस अभ्यास को कर लेते हैं, इसके बाद लेग को वापस स्ट्रेट करें, शेक करें और फिर आएंगे पूरा पेल्विस ट्विस्टिंग के लिए। पेल्विस ट्विस्टिंग के लिए राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को ग्रिप करें और स्ट्रेट करें और पूरा का पूरा अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर ट्विस्ट करें। होल्ड रखें, 5 सेकेंड होल्ड रखें, उसके बाद वापस रिलैक्स करें। सेम पोजिशन को ही दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। लेफ्ट हैंड से राइट लेग को ग्रिप करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट करके होल्ड करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स करने के बाद फिर से लेफ्ट लेग को बेंड करें और पूरे फीट को अपनी एल्बोज के इनसाइड रखें और दूसरे साइड से पूरे घुटने को ग्रिप करते हुए ट्विस्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, चेंज, सेम पोजीशन को दूसरी साइड पर दोहराएं, ग्रिप करें अच्छे से, ये प्रकार से इस प्रकार ग्रिप करें और पूरा ट्विस्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5। फिर रिलैक्स करें। इस अभ्यास को धीरे धीरे ही, अभी हम 5 तक काउंट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे 10 तक भी इसको काउंट करें। व्यक्तियों के हाथ में पेन रहता है, रिस्ट में, एल्बोज में और शोल्डर में, अर्थराइटिस वाले, उनको क्या करना है, आगे की ओर हाथ रखें और एक्सहेल करते हुए बंद करेंगे, इनहेल करते हुए अप खोलेंगे, फिर एक्सहेल बंद और इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए बंद करेंगे और श्वास भरते हुए खोलेंगे हाथ को, इस प्रकार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर रिस्ट मूवमेंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5। इस अभ्यास को करके 5 से 6 सेकंड का रिलैक्स लें और उसके बाद दोनों हाथों को अपने शोल्डर के ऊपर रखें और इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पूरा रोटेशन करें। 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5। अब थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हमें क्या करना है, पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। लेफ्ट हैंड से राइट नी के ऊपर रखें लेफ्ट हैंड को, इससे ग्रिप करेंगे कि प्रेशर डाल सके हम। स्पाइन को स्ट्रेट रखें, राइट हैंड को पीछे की ओर रखते हुए पीछे मुड़ के देखें पूरा और फिर श्वास भरते हुए आगे वापस आएं और फिर दूसरे साइड भी सेम पोजिशन को दोहराएं। फिर धीरे से वापस आके रिलैक्स करें। अब आएंगे प्राणायाम के लिए। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, घुटने के ऊपर हाथों को स्थित करें और लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास को लंबा गहरा ही बाहर छोड़ें। 3 से 4 बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर उसके बाद आएंगे सबसे पहले अनुलोम विलोम। अपने सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं या दूसरी वाली प्रणव मुद्रा बनाएं। राइट नोस्ट्रल को पुश करें और लेफ्ट से इनहेल करें और लेफ्ट को पुश करें और राइट से एक्सहेल करें। फिर राइट से इनहेल करें और राइट को पुश करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। फिर इनहेल लेफ्ट से और एक्सहेल राइट से, इनहेल लेफ्ट राइट से और एक्सहेल लेफ्ट से। 3 से 4 बार इस आवृत्ति को दोहराने के बाद हम आएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। फिर दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें और लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास को बाहर छोड़ें। जब लगे कि लंग्स रिलैक्स हो चुके हैं, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, उसके बाद फिर से एक हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्ट्रल को पुश करेंगे और लेफ्ट से खींचेंगे भी तेज और छोड़ेंगे भी स्पीड से, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे 10 टाइम इनहेल और एक्सहेल। कंटिन्यू, सेम पोजीशन को राइट से भी दोहराएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को पुश करेंगे और राइट से फिर रिलैक्स करें। जब लगे दोनों नोस्ट्रल प्रॉपर खुल चलने लगे, दोनों नाड़ी खुल जाएं, उसके बाद दोनों नासिका से ही इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर करेंगे, पूरा इनहेल और पूरा एक्सहेल स्पीड से आएंगे, बैठेंगे, 10 टाइम करेंगे इनहेल और एक्सहेल।
श्वास भरें पहले और फिर एक्सहेल। जब आपको लगे इनहेल एक्सहेल प्रॉपर कर लिया है और सिर भारी होने लगे, चक्कर भी आने लगेगा, ब्लैकआउट भी होता है बिगनर्स को, तो धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, परंतु इसका अभ्यास कंटिन्यू करते रहें और फिर रिलैक्स। अब आएंगे मेन बात की ओर, जो हमारे अर्थराइटिस में 70% असर करेगा, वो है हमारी डाइट। अपनी डाइट में घी मक्खन जैसी चिकनाहट वाली चीज़ों का सेवन करें और कंटिन्यू इसका सेवन करते रहें और पीछे बताए हुए अभ्यास को कंटिन्यू फॉलो करें, जिससे कि 1 से 1.5 हफ्ते के भीतर ही भीतर गठिया वाई में आराम मिल जाएगा और 3 से 4 महीने तक अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो प्रॉपर पूरे ढंग से आपकी गठिया वाई खत्म हो जाएगा। हमारा अभ्यास बस यहीं तक था। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि यह अभ्यास ऐसे लोगों तक भी पहुंच सके जो अर्थराइटिस से परेशान हैं और ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।